हेलो गाइज, काफ़ी टाइम पहले एक फिल्म का अनाउंसमेंट किया गया था और उस फिल्म का नाम था सैल्यूट। बट कुछ कारणों की वजह से इस फिल्म पर काम स्टार्ट नहीं किया गया, पर अब इस फिल्म की एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। गाइज, अब इस फिल्म पर काम शुरू किया जाएगा और ये एक बायोपिक फिल्म होने वाली है। इस फिल्म में भारत के पहले अंतरिक्ष में जाने वाले इंसान राकेश शर्मा की जीवन की कहानी बताई जाएगी। बात करें इस फिल्म की कास्ट की, तो इस फिल्म के लीड रोल में हमें शाहरुख खान देखने को मिलेंगे और सुनने में आ रहा है कि शाहरुख खान बहुत जल्द इस फिल्म पर काम स्टार्ट करने वाले हैं। गाइज, इस फिल्म के स्टोरी का काम पूरा हो गया है। फिल्म की कास्ट को लेकर अभी तक कोई भी अपडेट सामने नहीं आई है, बट सुनने में आ रहा है कि शाहरुख खान के अलावा भी इस फिल्म में हमें कोई बड़े सुपरस्टार देखने को मिल सकते हैं। फिल्म में हीरोइन के रोल में फातिमा सना शेख शाहरुख खान के साथ देखने को मिलेगी। बात करें फिल्म की डायरेक्टर की, तो अभी तक मेकर्स की तरफ से इस फिल्म के डायरेक्टर का कोई भी नाम अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। गाइज, ये फिल्म हमें कब तक देखने को मिलेगा इसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, बट 2025 तक इस फिल्म के रिलीज होने का चांस है। गाइज, ये कन्फर्म हो जाए कि इस फिल्म को कौन से डायरेक्टर डायरेक्ट करेंगे तो उसके बाद फिल्म के शूटिंग पर भी काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। और यदि फिल्म का शूटिंग 2024 में स्टार्ट हो जाता है तो ये फिल्म हमें 2025 के लास्ट या 2026 के स्टार्टिंग में देखने को मिल ही जाएगा। गाइज, लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं शाहरुख खान की इस मूवी को बड़े पर्दे पे देखने के लिए। बात करें फिल्म की बजट की, तो ये फिल्म 250 से 300 करोड़ के बीच की होने वाली है। दोस्तों, अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इतने सारे बजट के साथ बनने वाली शाहरुख खान की मूवी कैसी होती है। गाइज, आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।